क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स इन इट्स डेसिमल फॉर्म यूजिंग द गिवन फिक्चर. टेक वन 10 × 10 ग्रिड एज वन यूनिट. तो यहाँ देखिए ब्लॉक्स है, स्क्वायर टाइप्स की बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इनमें 100 ब्लॉक्स हैं. तो यहाँ देखिए होरिक वर्टिकल लाइंस में 10 ब्लॉक्स है, हॉरिजॉन्टली भी 10 है, मतलब कलम वाइज 10 ब्लॉक्स है और रो वाइज भी 10 ब्लॉक्स है. कुल मिला के यहाँ 10 × 10 100 है. ठीक है, ये दोनों ग्रिड्स ए नंबर की है. तो भाई इन ग्रिड्स की अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग नंबर्स डेसिमल में लिखना. अच्छा 10 × 10 यानी कि 100 इस ब्लॉक में, पूरा ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में छोटे छोटे और भी 100 ब्लॉक्स हैं. तो 100 को एक मानना, वन मानना. ठीक है, तो वंस की प्लेस में एक है, वन है, ए है, ए नंबर वंस की प्लेस में पूरा वन है. अच्छा टेंथ को टेंथ्स कहते हैं. ठीक है, अच्छा दूसरा एक चीज देखिए, सिर्फ 10 कहा जाए, सिर्फ 10, तो ये तो 10 की प्लेस है या फिर टेंस की प्लेस है, टेंस है तो टेंस की, लेकिन टेंस TH S है तो 1/10 होगा. अच्छा 1/10 में देखिए ऐसे कितने हैं, एक्चुअली देखिए 1/10 की क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है तो इसको 1/10 कहते हैं. ठीक है, अच्छा तो 1/10 की जगह में कितने हैं देखिए, यहाँ पूरा 3 10 है, 1 2 3 3 10 पूरा है, तो 1/10 में 3 है. अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये 100 की प्लेस में ये जो पूरा लाइन है, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम पूरा नहीं है, यहाँ 9 है, तो ये जो 9 है ये 100 की प्लेस में है, यानी कि 1/100 की प्लेस में है. तो ये 1/100 की प्लेस में क्या है, 9 है. दूसरा एक चीज़ देखिए, यहाँ 39 है, 39 है ना, अच्छा यहाँ पूरा 100 है, 100 है. ठीक है, तो 100 और 39 यानी कि 100 और 39 ऐड की जाए तो 139 होगा. अच्छा तो यहाँ देखिए 100 को 10 × 10 ग्रिड्स में बनाना, तो 100 से डिवाइड देना, तो 100 से डिवाइड दिया जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा ना 1.39 है. तो यहाँ एक्चुअली नंबर 1.39 है. ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए 1.39 की केस में 1 तो पूरा है, अच्छा 3 है, देखिए 1/10 की प्लेस में है और 9 100 की प्लेस में, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं. बी नंबर में देखिए, यहाँ देखिए 100 तो पूरा नहीं, ऐसे पूरा एक ब्लॉक नहीं है जिसमें और भी छोटे छोटे 100 ब्लॉक्स हो सके, तो ऐसा नहीं है. अच्छा तो पहले ही डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ 0 है, टोटल 100 की ब्लॉक नहीं है, 0 है. अच्छा आप देखिए यहाँ कितने हैं, 30 है, 30 है ना, तो 30 को 100 से डिवाइड देना, तो 100 से डिवाइड दिया तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा, तो 0.30 है, यानी कि 0.3 है, यानी कि 0.3 है. अच्छा इस 3 के बाद कितने 0 लगाया, वही एक ही चीज़ है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट 3 है, तो ये 1/10 की प्लेस में 3 है और यहाँ 0 है. ठीक है, नेक्स्ट 0 लिख सकते हैं, वैसे भी आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट देखिए सी नंबर में कितने हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है. अच्छा तो 7 × 10 = 70 और भी 2 है तो 72 है, तो 72 को अगर 100 से डिवाइड दी जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हो गए 0.72 है. अच्छा यहाँ एक 0 लगा देना, तो यहाँ 0 है, मतलब पूरा वंस प्लेस में 0 है. अब यहाँ देखिए 7 है और 100 की प्लेस में 2 है, बहुत ईजी है. अच्छा नेक्स्ट देखिए डी नंबर कितने हैं, 50 है, यहाँ 50 है, तो भाई अगर 50 को 100 से डिवाइड दी जाए तो 0.50 यानी कि 0.5 है, तो 0.5 है. ठीक है, तो वंस प्लेस में क्या है, 0 है. अच्छा अब देखिए फर्स्ट डेसिमल है 5, तो यहाँ 1/10 की जगह 5 है और नेक्स्ट 0 है, या कुछ नहीं है, मतलब 0, मतलब यहाँ अगर कितनी भी 0 लगाया जाए वही 0.5 यानी कि 50 समझना. ठीक है, तो वन नंबर का सोल्यूशन ये है भाई, ऐसे बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. नेक्स्ट टू नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. तो इन नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना. अच्छा एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ और भी एक कॉलम बना देना,
यह नंबर लिखना, नंबर ये प्लेस में जो चार्ट है। अच्छा यहाँ और एक कलम मैंने बढ़ाया, यहाँ जो जो नंबर से नंबर्स को लिख देते हैं। ये तो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर्स, ठीक है। इस कलम पे, नेक्स्ट कलम पे नंबर, और तीन नंबर कलम पे थाउजेंड, वन थाउजेंड की प्लेस। अच्छा वो वन हंड्रेड की प्लेस, हंड्रेड्स, टेंस, टेंस की प्लेस, वंस मतलब यूनिट की प्लेस। अब देखिए टेंथ मतलब वन, वन बाई टेन, टेंथ, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स टी एच एस लास्ट में है, थाउजेंड्स टी एच एस लास्ट में है। तो ऐसे ही भाई टेंथ की केस में टी एच एस लास्ट में है, तो मतलब समझ लेना भाई वन बाई टेन। अगर टी एच एस हंड्रेड के बाद है तो वन बाई हंड्रेड समझ लेना। वैसे ही थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद टी एच एस लगा हुआ है तो वन बाई वन थाउजेंड मान लेना। तो वन बाई टेन मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट, वन बाई हंड्रेड मतलब दूसरा डिजिट, और वन बाई थाउजेंड मतलब तीसरा डिजिट। अब देखिए वन पॉइंट सेवन, तो देखिए यहाँ थाउजेंड में नहीं है, कुछ नहीं है, तो थाउजेंड में जीरो है, हंड्रेड में भी जीरो है, टेंस में देखिए जीरो है। अच्छा वन, डायरेक्ट वन पे वन है, वन प्लेस में वन है। अब देखो वन पॉइंट सेवन है ना, तो ये जो सेवन है ये फर्स्ट डेसिमल है, यानी कि वन बाई टेन की, वन बाई टेन यानी कि टेंथ प्लेस में है, तो ये सेवनटीन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ आप चाहे तो जीरो जीरो लगा सकते हैं। अच्छा लेफ्ट में देखिए ये तीनों जगह जीरो है, तीनों कॉलम जीरो है, अगर जीरो ना लगाए तो भी होगी, सिर्फ वन सेवन लिखने से भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्टी टू पॉइंट फाइव नाइन, तो फोर्टी टू, फोर्टी प्लस टू, तो टेंथ में फोर है और वंस में टू है। अच्छा फाइव नाइन, तो वन टेन फाइव और ये नाइन है, बाकी सब आप चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, ठीक है जीरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जीरो पॉइंट वन फाइव फोर, तो पहला ही डेसिमल पॉइंट आ गया ना, तो वंस भी जीरो है। अच्छा टेंथ, वन बाई टेन, तो पहला वन है, इसके बाद फाइव है, नेक्स्ट कॉलम पे फाइव है, नेक्स्ट लास्ट में फोर है, तो इन सब जगह पे आप जीरो दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डी नंबर वन हंड्रेड वन पॉइंट जीरो वन, तो वन हंड्रेड वन, तो वन हंड्रेड के प्लेस में वन है, बाद के टेंस में जीरो है। अच्छा वंस की प्लेस में फिर वन है, अब देखिए जीरो है नेक्स्ट, मतलब वन टेंस में जीरो है, वन बाई हंड्रेड मतलब वन हंड्रेड की प्लेस में वन है, यहाँ जीरो देना, और यहाँ भी जीरो दे सकते हैं। देखिए नंबर लिखने के बाद जो जो कलम खाली है ना, इसमें जीरो से बढ़ लेना। अच्छा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू पॉइंट नाइन वन सिक्स है, तो थाउजेंड में देखिए वन थाउजेंड में वन है, हंड्रेड में सेवन है, टेंथ प्लेस में फाइव है, यूनिट यानी कि वंस में टू है, नेक्स्ट देखिए नाइन है, यहाँ से तो पॉइंट के बाद की नंबर है ना, नाइन वन सिक्स, वन सिक्स है। एफ नंबर देखिए टू जीरो वन वन, टू जीरो वन वन, इसके बाद देखिए जीरो थ्री सिक्स, जीरो थ्री सिक्स है, क्या बात है, बहुत ईजी ना भाई, बहुत ईजी है। नेक्स्ट भाई तीन नंबर क्वेश्चन देखिए ना, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट इन देयर डेसिमल फॉर्म्स, ऑल्सो राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स यूजिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अच्छा ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट्स हैं डेसिमल्स की, तो नंबर्स लिखना, इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो ए नंबर में देखिए जीरो जीरो फाइव, टेंस की प्लेस में फाइव है, फाइव वंस की प्लेस में सेवन है, तो फिफ्टी प्लस सेवन यानी कि फिफ्टी सेवन है, फिफ्टी सेवन पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आ रही है वन टेंथ में जीरो है, वन हंड्रेड में सिक्स है, वन टेंथ में जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद जीरो है। अच्छा नेक्स्ट वन वन हंड्रेड में सिक्स है, तो इसके बाद सिक्स है। अच्छा वन थाउजेंड में भी जीरो है, तो यहाँ चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन को हम फिफ्टी प्लस सेवन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये जीरो बाई टेन है, तो जीरो बाई टेन लिखिए या ना लिखे डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, सिक्स बाई ये हंड्रेड के प्लेस में है ना, तो सिक्स बाई हंड्रेड ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ अगर जीरो बाई टेन प्लस सिक्स बाई हंड्रेड लिखे तो ये भी करेक्ट होगा, दोनों ही सही है। बी नंबर देखिए वंस में, वंस के प्लेस में वन है तो वन है, इसके बाद ही पॉइंट आ जाएगा वन, इसके बाद देखिए वन टेन में जीरो है, फिर जीरो है, और वन हंड्रेड वन थाउजेंड में वन है, तो वन पॉइंट जीरो जीरो वन है। इज इक्वल टू वन प्लस
ये 1/1000 है, 1/1000 थर्ड डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद तीन नंबर प्लेस में है तो 1/1000 के प्लेस में, तो 1+1/1000 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 को अगर 1000 से डिवाइड किया जाए तो 0.001 आएगा, ठीक है। तो इसके केस में भी ऐसे 50+7+6/100 ना, तो 6 को 100 से डिवाइड किया जाए तो 0.06 आएगी। 1 के बाद देखिए दो डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से दो डिजिट लेफ्ट में आके पुट हो जाएगी, तो यहाँ तो एक डिजिट है तो और एक डिजिट 0 से, मतलब 6 को हम 06 लिख सकते हैं ना, 6 को हम 06 लिख सकते हैं, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा दो डिजिट छोड़ के, ठीक है। तो ऐसा भी आप एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, 100 के प्लेस में 2 है, तो 2 है, 10s के प्लेस में 4 है तो 240, और 1s के प्लेस में 8 है तो 248। अब नेक्स्ट डेसिमल बचाएगा, उसके बाद देखिए 350, ठीक है 350, तो लास्ट में 0 लिखे या ना लिखे क्या फर्क है, तो इज इक्वल टू देखिए 200+40+8+ नेक्स्ट पहला डेसिमल 3 है तो 3/10+ नेक्स्ट 5 है ना तो 5/100 है, तो इज इक्वल टू 200+40+8+3/10 को 0.3+5/100 को 0.05, ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो भाई ऐसे ही होते हैं 3 नंबर की सॉल्यूशन। नेक्स्ट भाई डी नंबर देखिए, 1000 के प्लेस में 1 है, 1 है नेक्स्ट 0 है फिर 0 है, 10s के प्लेस में भी फिर देखिए 1/10 की प्लेस में 0 है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद देखिए फिर 0 है 0 0 और लास्ट में 1 है तो इज इक्वल 100+ ये 1000 की प्लेस में तो 1/1000, तो इज इक्वल टू फिर ऐसे लिख सकते हैं 1000+ 1 को अगर 1000 से डिवाइड दी जाए ना तो 0.001 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, 1000 के प्लेस में 3 है तो 3469 3469 9 देखिए यूनिट्स के प्लेस में यानी 1s के, 1/10 में 1 है तो पॉइंट है 1 है, इसके बाद 2 है इसके बाद 3 है तो 2 3 है तो इज इक्वल टू 3000+400+60+9+1/10+2/100+3/1000, ठीक है इज इक्वल टू फिर देखिए 3000+400+60+9+1/10 को 0.1+2/100 को 0.02+3/1000 को 0.003, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है इसी है बहुत इसी। नेक्स्ट ई नंबर देखिए 4057, 1s में 7 है तो 4057 पॉइंट है, इसके बाद 009 है, 1/10 में 0 है, 1/100 में भी 0 है और 1000 में 9 है तो 009 है, तो इज इक्वल टू 4000 के प्लेस में वो है, इसके बाद देखिए 0 है यानी कि 0 को स्किप कर सकते हैं ऐसा 0 ना लिख के, तो नेक्स्ट 5 यानी कि ये 5/10 के प्लेस में तो 5/10=50+7+ इसको डायरेक्ट 9/1000 लिखना, तो इज इक्वल टू ऐसे ही लिखना 4000+50+7+0.009। नेक्स्ट भाई 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट दी फॉलोइंग डेसिमल्स,
डेसिमल्स वर्ड्स में दी गई है, डेसिमल्स में लिखना है। ए नंबर 2700, 2700 तो देखिए 2700 है ना, तो हंड्रेड्स यहाँ टी एच है तो, और यहाँ 2700 तो 27 डिवाइडेड बाई 100, हंड्रेड्स टी एच है ना तो डिवाइडेड बाई 100 है तो इज इक्वल टू 0.27 है। 100 से 27 को डिवाइड किया जाए तो दो डिजिट डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में आते फुट हो गए। क्यों दो डिजिट के लिए, क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो होते हैं ना 1 के बाद, तो दो डिजिट लेफ्ट में आके फुट हो गए। वैसे ही 1 के बाद कितने जीरो है इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये आंसर बी नंबर 9/10 तो 9/10 या टेंथ्स है ना, टी एच एस तो इज इक्वल टू 0.9 है। सी नंबर 22 एंड 8/10 है तो 22 पूरा है तो 22 प्लस एंड है ना 8/10 मतलब 8/10 है तो इज इक्वल टू 22.8/10 यानी कि 0.8। क्या बात है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 15 and 37 thousands तो 15 एंड के पहले देखिए ये कंप्लीट नंबर है 15 है प्लस एंड 37 thousands तो 37 को थाउजेंड्स है ना 1000 से डिवाइड देना तो इज इक्वल टू 15.37 को अगर थाउजेंड से डिवाइड दी जाए तो यहाँ और एक जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट हो गए तो 037 है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए 700 कंप्लीट है और n के बाद 700 है तो मतलब 7/100 तो इज इक्वल टू 700.7 को अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो 07 होगा तो 700.07। सिक्स नंबर एफ नंबर देखिए 606 एंड तो 606 प्लस 6000 तो 6/1000 तो इज इक्वल टू 606.6 और 1000 से डिवाइड किया जाए तो 0.006 होगा तो ये है आंसर। नेक्स्ट फाइव नंबर देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, इनको डेसिमल्स में लिखना बहुत इजी है। ये नंबर देखिए 10 + 5 + 1/10 तो देखिए 10 + 5 + 1/10 मतलब 0.1 तो इज इक्वल टू 10 + 5 = 15 15 के बाद 1 तो 15.1। बी नंबर 300 + 50 तो 350 + 6/100 है तो 6/100 को 0.06 लिख सकते हैं। आप देखिए दोनों को ऐड की जाए ना तो 350.06 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 750 + 6 अच्छा तो 700 तो इज इक्वल टू 750 + 6 756 + 4/10 को 0.4 है प्लस 7/100 को 0.07 लिख सकते हैं तो इज इक्वल टू 756 ठीक है। डी नंबर की 2000 + 500 + 60 + 9 + 8/10 + 3/100 + 7/1000 तो इज इक्वल टू 2000 + 500 + 60 + 9 + 8/10 + 3/100 + 7/1000 है तो इज इक्वल टू 2569 पूरा कंप्लीट है 2569.837। नेक्स्ट ई नंबर के 3003 + 3/100 तो 0.03 + 3/1000 तो 0.003 है
अच्छा तो इज इक्वल टू 3003.033 है। एफ नंबर देखिए 5005, तो 5005 प्लस 5/1000 तो 0.005 है, तो इज इक्वल टू 5005.005। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स, इन सब डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना। तो भाई वर्ड्स में लिखना बहुत इजी है, ए नंबर 0.1, तो इसको लिखना 0.1 ठीक है। बी नंबर 3.7, तो 3.7। सी नंबर 20.08, 20.08। अच्छा डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट सिंगल सिंगल पढ़ना। नेक्स्ट डी नंबर 109.09 ना, तो 109.09। ई नंबर देखिए 3672.72, इस पॉइंट को वर्ड्स में लिखना 96 ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए, ये 1072.567। तो भाई ऐसे डेसिमल नंबर्स को वर्ड्स में लिखना चाहिए। भाई नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इन सब को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ए नंबर देखिए 0.4 है, तो 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं। आप देखिए काट करना, 2 × 4 = 2, 5 × 10 तो इसको 2/5 है। बी नंबर देखिए 1.5, तो 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 को 10 से डिवाइड करने से वही 1.5 होगी, यानी कि डेसिमल पॉइंट रिमूव करना, और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 1 के बाद एक जीरो है ठीक है। आप देखिए 5 से कटिए, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 यानी कि 3/5 है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर 25.75, तो 2575 डेसिमल पॉइंट रिमूव करना और 1000 से डिवाइड दे देना, सर 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट से। अब देखिए 25 से काट सकते हैं, तो 25 100 और 75 4 से काटा ठीक है, तो 25 100 थ्री टाइम्स है और ये 4 times है ठीक है। नेक्स्ट भाई डी नंबर देखिए 0.072 इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 3 digits है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करना, तो 072 हो गई, 072 एक्चुअली 72 हो गई, इस जीरो की कोई मतलब नहीं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 digits है, तो 1 के बाद 3 0 लाना नीचे, यानी कि 1000 से डिवाइड देना। आप देखिए इसको कैंसिल करना, तो एक काम करना, कैंसिल कैसे करते हैं, सबसे बड़ा वो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, यानी कि 72 और 1000 की HCF निकलना, तो 8 9 = 72 और 8 125 = 1000, तो इज इक्वल टू 9/125 ठीक। नेक्स्ट ई नंबर देखिए 1.248, तो इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट रिमूव करना, 1248 होगा डिवाइड बाई 1 पॉइंट के बाद 3 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट के बाद 3 digits से 1 के बाद 3 0 देना ठीक है। आप इसको काटना, कैंसिल करना, तो कैसे, देखिए बड़े बड़े नंबर्स को कैंसिल करने में अगर किसी दिक्कत है, तो ऐसे ही छोटा छोटा करके कैंसिल कर सकते हैं ठीक है। 1248 और 1000 है, पहले 2 से काटे, 2 500 = 1000, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 4 = 8, फिर 2 से कटे, 2 250 = 500, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 से कट सकते हैं, 125 = 250, इसको भी 2 देखिए 15 = 30 है, 1 / 12 2 मतलब 156 है, 2 156 = 3 12, तो इज इक्वल टू ऊपर क्या है 156 को डिवाइडेड बाई
125 है। अच्छा भाई, इसको अगर चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर लिखिए 10.512, तो इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट रिमूव करना 10512 डिवाइडेड बाय तीन डिजिट है पॉइंट के बाद, तो वन के बाद तीन जीरो यानी कि 1000 से डिवाइड करना। अब देखिए चीज यहाँ राफ करना भाई, यहाँ पे राफ करूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू नीचे लिख दूंगा 10512 डिवाइडेड बाई 1000, तो पहले टू से काटिए, 2 5 जार 1000, अच्छा 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 11 हुआ 2 5 जार 10, फिर से 1 बचा 12, 2 6 जार 12, ठीक है। फिर 2 से 2 250 जार 500, अच्छा 2 26 जार 52, फिर 56, 2 28 जार 56 है। अब देखिए फिर से 2 से काट सकते हैं, अच्छा 2 125 जार 250, अच्छा 2 13 जार 26, 2 28 है, 2 14 जार 28, ठीक है। तो 13 14 डिवाइडेड बाई 125, तो 13 14 बाई 125, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जाए ना, तो 10 कंप्लीट 64 बाई 125 होगा। तो भाई ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिटवीन व्हिच द नंबर लाइंस, इन ईच केस व्हिच वन ऑफ द होल नंबर इज नियरर टू द नंबर। पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं भाई, ये जो नंबर लाइन है 0 से 10 तक है नंबर लाइन पे, तो ए बी सी यहाँ कुछ नंबर्स हैं डेसिमल्स में, तो इन नंबर्स कौन से दो नंबर्स के बीच हैं, और इनमें से होड़ी एक नंबर इन दोनों नंबर्स में किसकी ज्यादा करीब है ये लिखना। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करना, क्या किस ढंग से करना ये मैंने देखा था, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रखा। देखिए ये नंबर लाइन 0 से 10 तक, तो देखिए पहला 0.8 है, तो 0.8 जो है ना ये 0 और 1 के बीच है, 0.8 मतलब 1 से कम है बट 0 से ज्यादा है, तो बिटवीन 0 एंड 1, 0.8 है ना 0 और 1 के बीच है। अच्छा ये 0.8 किसकी करीब है, तो देखिए 1 की ज्यादा करीब है, 1 के करीब है, तो नियर टू 1। बी नंबर देखिए 1.2, तो बिटवीन 1 एंड 2, ये 1.2 1 और 2 के बीच में है, तो 1.2 है, 1 के बाद जस्ट 2 पॉइंट्स है, तो ये 1 के करीब है, नियर टू 1। सी नंबर देखिए 2.9, देखिए 2.9 ये 2 और 3 के बीच में है, 2.9 मतलब 3 कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा कम है, मतलब 1 पॉइंट कम है, तो 2.9 ये 3 से सिर्फ 1 पॉइंट कम है और 2 से 9 पॉइंट्स ज़्यादा है, तो मतलब ये 3 से करीब है, नियर टू 3। नेक्स्ट देखिए डी नंबर 6.1 है, तो बिटवीन 6 एंड 7 है, ये 6.1 6 और 7 के बीच में है। अच्छा आप देखिए ये 6 के बाद सिर्फ 1 पॉइंट है, सिर्फ 1 ही पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन 7 के केस में देखिए ये 9 पॉइंट्स कम है 7 से 9 पॉइंट्स कम है, लेकिन 6 से सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये 6 के करीब है, नियर टू 6। वैसे ही 9.1 9 और 10 के बीच है, नियर टू 9। 8.8 देखिए ये 9 के करीब है, ये 8 और 9 के बीच में है और 9 के करीब है, नियर टू 9। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, इन सब नंबर्स को नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो 9 की ए नंबर 0.9 है, तो ये 0.9 है ना, तो मतलब ये कंप्लीट 1 नहीं है, तो मान के चलिए ये 0.0 है। अच्छा तो 0 और 1 के बीच और भी 10 पॉइंट्स होने चाहिए, तो ऐसे ही दे देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये 1 मान लीजिए, ये 1, अच्छा ये 2 मान लीजिए, तो 0.9 देखिए ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, तो ये है भाई 0.9, ठीक है। नेक्स्ट 1.7 है, तो ये 1 तो कंप्लीट है, मान के चलिए ये 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ठीक है। अच्छा तो 1 तो कंप्लीट है, नेक्स्ट देखिए 1.7 है ना, 1 के बाद और भी 7 पॉइंट्स है, मतलब 2 के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ भी 1.1 1.2 ऐसी 2 तक ले आना, तो मतलब यहाँ 1 और 2 के बीच और भी 10
पार्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस है, तो 1.7 है ना। तो एक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 है, तो ये है भाई 1.7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2.5 है, तो यहाँ 2.5 मतलब दो से और भी 5 पॉइंट्स ज़्यादा है। तो ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2 और 3 के बीच, 2 तक तो कंप्लीट है, 2 और 3 के बीच और भी 10 पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक दो तीन चार पाँच है, छः है, सात है, आठ है, नौ है, दस है, तो 2.5 ना। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 है, तो ये है भाई 2.5 के मार्क। नेक्स्ट डी नंबर 0.1 है, तो 0.1 तो मान लीजिए ये 0 है, तो सिर्फ 0.1 है, तो 0 से 1 के बीच तो 10 पार्ट्स बनाना है। तो 0 और 1 के बीच यहाँ पे 10 पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 0.1 के पॉइंट है, तो ये है भाई 0.1। नेक्स्ट देखिए 1.2 है, तो 0 से भाई 1 तक तो कंप्लीट है। अच्छा ये मान के लिए 2 है, ये 1 है, ठीक है, तो 1 तो कंप्लीट है, तो 1.2 और भी 2 पॉइंट्स है, तो मान लीजिए ये 5 है, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये 1.5 है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये 1.9 के बाद 2 है, ठीक है। तो 1.2 है ना, तो 1.1, 1.2 ये है, 1.2 है। नेक्स्ट देखिए 10.5 है भाई, ये 10.5 है, 10.5 है, 10 तो कंप्लीट है, इसके बाद 10 और 11 के बीच टिक मिडिल में होनी चाहिए, तो ये 1 है, ये 2 है कंप्लीट, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये 11 है, तो 10.5 है, तो 10 और 11 के टिक मिडिल में है, तो ये है भाई 10.5। इजी ना भाई, कितनी इजी है, कितनी इजी है। अब नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी पी एंड क्यू। अच्छा ये जो नंबर लाइन है, यह ए बी सी डी पी क्यू कुछ नंबर्स है, कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में डेसिमल्स क्या क्या हो सकती है इस नंबर लाइन पे 0 से 5 तक है। तो पहला ए नंबर में देखिए 0 और 1 के बीच में है, तो 1 से कम है ना, तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 है, 0.7 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बी नंबर पॉइंट में देखिए, ये 1 तो कंप्लीट है, बी तो यहाँ पे है ना, 2 के अंदर है, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 है, तो बी नंबर 1.8 है, ठीक है। अब सी नंबर देखते हैं, सी देखिए ये 2 है, 2 के बाद है, तो 2 तो कंप्लीट है, तो ये 2.1 के मार्क है, देखिए तो 2.1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ये है, तो ये 3 के बाद है और 4 के अंदर है, तो मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 है, तो 3.9 है। नेक्स्ट पी देखिए, पी 4 तक कंप्लीट है, तो 4.1, 4.2 है, 4.2 है। नेक्स्ट क्यू देखिए 5 की पहले है, तो 4.9 ये होगा ना, 4.9 है, इजी है, बहुत इजी है। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।